hi guys welcome on my youtube channel success mantra by shuman saket as you all know in the series of computer science classes from standard 7 to uh, standard 10th, uh, I, I am discussing uh, all the important topics uh, which is concerned with your uh, syllabus so it's a kind request my lovely friends please subscribe the channel uh, share and like the videos maximum Uh, तो आज की इस कड़ी में uh, हम आगे की तरफ चलते हैं uh, जैसा कि uh, आपको ज्ञात है मैंने पिछले क्लास में इन द इन द प्रीवियस सेशन वी हैड सॉरी आई हैड डिस्कस्ड अबाउट इनपुट एंड इनपुट डिवाइस वेयर 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 वी लर्न अबाउट इनपुट एंड इनपुट डिवाइस जहाँ हमने प्राइमरी इनपुट डिवाइस की बात करी थी वहाँ पे मैंने कीबोर्ड को देखा था और आज के इस सेशन में हमारी कोशिश होगी कि इसके जो रेस्ट ऑफ पार्ट्स हैं और इसके साथ साथ जो हमारा सेकेंडरी इनपुट डिवाइस है उसको डिस्कस करूं तो चलिए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस दैट इज़ माउस के साथ तो अब हम यहाँ माउस को देखते हैं माउस जो एक्चुअली है वो हमारा इनपुट डिवाइस है और वो भी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो जो किसी सरफेस पे जब हम उसको मूव करते हैं तो उसका पॉइंटर हमारे स्क्रीन पे मूव करता है और देन आफ्टर हम उस मूवमेंट के साथ अपने वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं कंप्यूटर पे एक्चुअली माउस इज ए डिवाइस दैट मूवस ऑन ए फ्लैट सर्फेस एंड हैजू और थ्री बटन दैट सेंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू द कंप्यूटर वास्तव में ये होता क्या है कि एक तरह का डिवाइस है जिसको हम फ्लैट सर्विस पे मूव करते हैं जहाँ पे uh, uh, दो या तीन बटन्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनिक uh, सिग्नल को किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नहीं अर्थात किसी जब हम उसे सरफेस पे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हमारे कंप्यूटर को क्या करता है सेंड करता है जब हम इस फ्लैट इसे फ्लैट सरफेस में मूव करते हैं तो पॉइंटर जो है हमारा स्क्रीन पे मूव करता है और हम वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं कंप्यूटर पे। जब हम माउस की बात करते हैं तो माउस के भी दो टाइप्स हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ माउस फर्स्ट वन इज़ स्क्रॉल माउस सेकेंड वन इज ऑप्टिकल माउस स्क्रॉल माउस वो होता है जिसमें माउस है माउस के आप बॉटम uh, सर्फिस पे देखेंगे तो वहाँ पे एक बॉल टाइप का लगा होता है जो फ्रिक्शन के हेल्प से जब हम उसको uh, किसी uh, किसी फ्रिक्शन uh, uh, वाले सरफेस पे uh, या किसी भी सरफेस पे हम उसको रखते हैं और जब वो बॉल आपस में फ्रिक्शन uh, करता है एक दूसरे से तो वो अपना वर्क परफॉर्म करता है बट दूसरा जो हमारा होता है वो ऑप्टिकल माउस होता है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क करता है लाइट के कॉन्सेप्ट मतलब ऑप्टिकल रेस के कॉन्सेप्ट जो हमारा माउस वर्क करता है दैट टाइप्स ऑफ माउस इज कॉल्ड ऑप्टिकल माउस ओके क्लियर अब ऑप्टिकल माउस को भी हम लोग दो तरह से दो प्रकार से बांटते हैं there are uh, two categories uh, in optical mouse first one is wired optical mouse and second one is wireless optical mouse wired optical mouse kya hota hai to wired optical mouse jo hota hai wo uh, hum use karte hain वायर के through और उसको connect किया जाता है uh, CPU और uh, laptop के साथ with p पी एस बाई टू पोर्ट और यूएस बी पोर्ट के साथ जब हम वायर्ड ऑप्टिकल माउस की बात करते हैं तो वायर्ड होता है और इसको कनेक्ट किया जाता है थ्रू वायर और uh, जहाँ पे जिस पोर्ट में इसको कनेक्ट किया जाता है तो वो पोर्ट भी दो तरह का होता है पोर्ट दैट मीन जो स्पेस होता है उसको कनेक्ट करने का दैट इज कॉल्ड पोर्ट इसके बारे में हम आगे uh, की क्लास में चर्चा करेंगे कि वास्तव में पोर्ट क्या होता है तो ये पोर्ट भी दो तरीके का होता है आपने यूएसबी का नाम सुना होगा यूनिवर्सल सीरियल बस उसको बोलते हैं और दूसरा जो होता है हमारा पी एस बाई टू पोर्ट होता है तो इन दो पोर्टों के माध्यम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है वायरलेस माउस वायरलेस में एक्चुअली क्या होता है दिस टाइप ऑफ माउस इज यूज टू रिड्यूस द वायर क्लट डेस्कटॉप मतलब वायर्ड के एक्सपेंशन को कम करने के लिए हम जो माउस यूज करते हैं वो हमारा ऑप्टिकल माउस का ही होता है टाइप लेकिन वो वायरलेस होता है तो ये हमारा माउस का टाइप था एक बात और जानने की कोशिश करते हैं माउस के बारे में वो ये कि ऑन नोटबुक कंप्यूटर प्रेशर सेंसेटिव सरफेस कॉल टचपैड मतलब आपने नोटबुक को यूज किया होगा लैपटॉप को यूज किया होगा उस पर उसके कीबोर्ड के साथ उसके कीबोर्ड के पैरेलल में आपको एक फ्लैट आ, फ्लैट सरफेस और सेंसिटिव सरफेस दिखता होगा उस सरफेस का नाम जो है वो टच पैड होता है जहां से हम मूवमेंट करते हैं किसको तो माउस के पॉइंटर को द मूवमेंट ऑफ द स्क्रीन पॉइंटर द मूवमेंट ऑफ द स्क्रीन पॉइंटर डिपेंड ऑन योर टच मूवमेंट ऑन द पैड जब हम पैड पे फिंगर की मदद से हम पॉइंटर को मूव करते हैं और ये हमेशा और हमेशा कहाँ यूज़ किया जाता है तो ये बेसिकली यूज़ होता है वो आपका नोटबुक पे यूज़ होता है लैपटॉप पे यूज़ होता है नेट लैपटॉप को ही हम दूसरे नाम के दूसरे नाम से जानते हैं उसको हम बोलते हैं नोटबुक इज इज़ इट क्लियर ऐसा आशा है कि माउस uh, जो हमने बताया वो आपको समझ आ गया होगा हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और वो है हमारा सेकेंडरी इनपुट डिवाइस सेकेंडरी इनपुट डिवाइस कहने का तात्पर्य यह होता है कि प्राइमरी जिसके बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते बट स्पेसिफिक इनपुट डिवाइस उस तरह का इनपुट डिवाइस होता है जिसको यूज करने से हम कंप्यूटर को और आसानी से यूज़ कर सकते हैं कहने का मतलब कि कंप्यूटर को यूज़ करने में आ, क्योंकि कंप्यूटर को आपको पता है कि कंप्यूटर का जो यूज है वो मल्टीपर्पस होता है और जो मल्टीपर्पस होता है तो उसके लिए हमको डिफरेंट टाइप्स के डिवाइस की जरूरत होगी जो हमें उसको ऑपरेट करने में मदद करेगा तो एडिशनल डिवाइसेस जो होते हैं जो कंप्यूटर को और भी ऑपरेट uh, करने के लिए आसान बनाते हैं दैट्स टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड सेकेंडरी इनपुट डिवाइस जिसका डिफरेंट um, टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे आज हम तीन चार एग्जाम्पल आपके सामने रखने का कोशिश आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे जिसमें पहला जो है हमारा वो माइक्रोफोन होता है माइक्रोफोन का आपने नाम सुना होगा एक्चुअली uh, जब आप मोबाइल फोन में हेडफोन यूज करते हैं दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ माइक्रो फोन एक्चुअली इसको प्रैक्टिकली तौर पे समझेंगे तो आप ज्यादा इसको समझ पाएंगे माइक्रोफोन इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट लेड्स टू प्रोवाइड ऑडियो इनपुट टू ए कंप्यूटर कहने का मतलब कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है हार्डवेयर सेकेंडरी इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम लोग ऑडियो इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में क्या करते हैं यूज़ करते हैं द वॉइस इनपुट कैन बी यूज इन वॉइस चैट जब हम वॉइस चैट में वॉइस को यूज़ करने के लिए भी माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं आजकल जो माइक्रोफोन का यूज़ है वो इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो क्यों हो रहा है क्योंकि जब आप चैट करते हैं तो उसके साथ वीडियो कॉलिंग भी होती है आपने वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी चैट किया होगा या वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ स्टैब्लिश कर पाते हैं तो वहां पे जब हमें वॉयस को सेंड करने की ज़रूरत होती है और वॉयस को रिसीव करने की जरूरत होती है तो वॉयस को एक्चुअली सेंड करने के लिए जो हमारा आ, यूज होता है वो हमारा क्या होता है माइक्रोफोन होता है कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी वो इंटीग्रेटेड होता है और कुछ कंप्यूटर्स में वो हम एज ए पेरिफेरल यूज करते हैं पेरिफेरल क्या होता है इसको आप थोड़ा सा जान लें पेरिफेरल एक्चुअली एक तरह का डिवाइस है इसके अंदर बहुत सारे डिवाइस आते हैं जो हमें कंप्यूटर में अटैच करने की जरूरत पड़ती है उसको वर्क में लेने के लिए जैसे आ, माउस इज आल्सो आ, आल्सो ए पेरिफेरल डिवाइस माइक्रोफोन इज आल्सो ए पेरिफेरल डिवाइस वेब कैन ऑल्सो बी ए पेरिफेरल डिवाइस तो आ, ये सारे क्या हैं पेरिफेरल डिवाइस हैं जो कि हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड होता है मतलब ऐसे होता है कंप्यूटर के साथ और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हमें एज ए पेरिफेरल्स मतलब अलग से उसको अटैच करने की जरूरत पड़ती तो ये हमारा क्या था माइक्रो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आ, वेब कैम के ऊपर वेब कैम जो है वो हमारा एक तरह का कह लीजिए कि कैम एज ए कैमरा वर्क करता है कंप्यूटर पे इसका मेनली जो यूज़ होता है वो वीडियो कॉलिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए होता है जब हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कंप्यूटर वेब, वेब कैम का यूज़ करते हैं ये ये आजकल मोस्ट पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसका यूज़ इंटरनेट के ऊपर मोस्टली हो रहा है जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं या किसी वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे अगर हमें सोशल मीडिया पे अपलोड करना होता है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो को क्या करते हैं uh, बनाते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो वेब कैम बेसिकली इज अ टाइप्स ऑफ कैमरा विच इज यूज इन कंप्यूटर टू रिकॉर्ड ए वीडियो और टू लाइव वीडियो ओवर द इंटरनेट ओके ये हमारा वेब कैम था अगला जो है स्कैनर है स्कैनर इज ऑल्सो ए uh, सेकेंडरी इनपुट डिवाइस uh, ये स्कैनर क्या होता है एक्चुअली ये किसी भी टेक्स्ट को Uh, किसी भी हैंड रिटन टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट इमेज के फॉर्म में क्या करता है स्कैन करता है कहने का तात्पर्य है कि स्कैनर जो भी है वो उसके माध्यम से उसके हेल्प से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी टेक्स्ट को किसी भी पिक्चर्स को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्कैन करके स्टोर कर सकते हैं और इसे डिफ्रेंट पर्पसेस के लिए डिजिटली यूज कर सकते हैं तो डिजिटली ऑब्जेक्ट फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ती है और स्कैनर हमारा क्या है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस के तौर पे यूज होता है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बी सी आर पे बी सी आर इज एन स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस और सेकेंडरी इनपुट डिवाइस जिसका मतलब होता है अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर दिस इज ए काइंड ऑफ सेकेंडरी इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉग्नाइज द कोड विच इज लेबल्ड ऑन ऑन एनी बुक्स एनी ग्रॉसरीज आइटम्स और एनी अदर आइटम्स आजकल आप डिफरेंट uh, तरह के बुक्स के ऊपर डिफरेंट ग्रॉसरीज आइटम के ऊपर या जो भी आप परचेज करते हैं कोई भी आइटम परचेज करते हैं कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उसके लेवल के ऊपर आपको एक वर्टिकल मल्टीपल वर्टिकल लाइंस दिखाई देते होंगे और इस वर्टिकल लाइन को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट टाइप्स ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड वॉट बी बार कोड रीडर के थ्रू एक्चुअली हम इसको क्या कर पाते हैं रीड पर कर पाते हैं वास्तव में ये उस पर्टिकुलर गुड्स uh, का को uh, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है तो ये हमारा बीसीआर था अगले हम uh, अगले uh, uh, अगले स्पेशलाइज्ड और सेकेंड इनपुट डिवाइस की तरफ मूव करते हैं अगला जो है हमारा वो है ओसीआर ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉगनीजन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस और सेकेंडरी और स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू चेक ओ एम आर सीट ऑफ ओ एम आर सीट ऑफ या कह लें कि ओ एम आर सीट को चेक करने के लिए जो यूज डिवाइस होता है वो हमारा होता है ओ जिसका फुल जिसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वास्तव में ओ क्या होता है ओ जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जिसको ओ के स्तर पे यूज किया जाता है और ओ एम आर सीट आपने नाम सुना होगा उस ओ एम आर सीट को रीड uh, करने के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारा यूज uh, किया जाता है ओ सी आर के स्तर पे अगला जो है हमारा एम आई सी आर होता है एम आई सी आर स्टैंड फॉर माइक्रो सॉरी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपने चेकबुक देखा होगा चेकबुक के नीचे uh, कुछ लेटर्स और कुछ डिजिट्स मैंशनड होते हैं एक्चुअली वो बैंक का एक अपना एक स्पेशल कोड होता है जो ये वेरीफाई करता है कि ये किस बैंक का है किस ब्रांच का है तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एम आई सी आर डिवाइस इसका हमने फुल फॉर्म बता बता दिया क्या होता है माइक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कैरेक्ट ओके दिस इज द स्पेशलाइज्ड इनपुट डिवाइस और सेकेंडरी इनपुट डिवाइस इसमें आप आपने आ, और हमने आपके सामने यह बताने का प्रयत्न किया कि वास्तव में वास्तव में जो है आ, सेकेंडरी स्टोरेज सॉरी सेकेंडरी इनपुट डिवाइस और स्पेशलाइज इनपुट डिवाइस क्या होता है तो ये हमारा इनपुट डिवाइस इनपुट और इनपुट डिवाइस का पार्ट टू था अगले सेशन में फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे अगला जो हमारा सेशन होगा वो सी का होगा जिसमें हम सी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आज के सेशन में आज के सेशन में बस इतना ही फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोगों के समक्ष मैं इसी तरह से आता रहूँगा और आने वाले समय में हमारी ये कोशिश है कि इस चैनल पे आपको और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्लासेस अवेलेबल करवाए जाएं और आप लोगों का सहयोग रहा तो अवश्य मैं इस मुकाम को हासिल करूँगा सो आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक यू